आपका सोनिया की फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ आज अपनी छोटी बहन के घर पे, और छोटी बहन के घर पे आ गई हूँ और वो मुझे बोल रही है कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड मत करना। ठीक है, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगी। मेरी और उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी हम लोगों ने मारपीट करके सॉल्व कर ली है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। यहाँ ये मेरी मम्मी है, मम्मी हाय कर दो मेरे व्यूवर्स को। तो सब लोग, आप लोग तो जानते हैं कि YT पे जो भी आते हैं उनकी सबसे पहले फैमिली वाले मेंबर ही उनके पैर खींचते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो वही सब मेरे घर पे अभी सब बैठ के हम लोग यही सब कर रहे हैं। और मैं यहाँ अपनी बहन के घर पे आई हूँ, थोड़ा सा अभी बस थोड़ा बहुत मस्ती मजाक ये सब चालू है। तो आप तो एक दो वीडियो में मेरी बहन के साथ में मिल ही चुके होंगे, तो आप लोगों को मैं मिलाती हूँ अपनी बहन के साथ। हम लोगों में थोड़ी सी मतलब कि जो हो गई थी मन की, थोड़ा सा मन वो हो गया था, तो अभी मारपीट करके हम लोगों का हो गया मन हल्का। और ये खाना खा रही है इसलिए कोई पोज नहीं दे रही है, मैं इसे बोल रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स को हाय बोल, तो इसे हाय बोलने में पता नहीं क्या जा रहा है, क्योंकि वो थाली में देखो दर अपने पीछे थाली छुपा ली है, बोल रही है मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे रिकॉर्ड मत करो। इसका बच्चा भी वैसे ही है मस्तीखोर। और मैं आप लोगों को इसका घर दिखाती हूँ, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग, तो ये देखिए इस घर देख रहे हैं, ये हॉल है और इतने में ही दो बच्चों के साथ में आराम से रह लेते हैं, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो आपका इसका घर दिखाएं, ये इसका हॉल है, टीवी भी रखा है, मंदिर भी रखा है, यहीं कपाट भी रखा है, शूज रैक भी है। तो यहाँ से एंट्री करेंगे आप और इतने में ही इसका घर है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने रिनोवेशन भी करा रखा है। देखिए काफ़ी टाइल्स वगैरह अच्छा कर लिया है, ग्राउंड में इसका घर है नीचे। और ये देखिए यहाँ किचन की तरफ आएंगे ना, तो ये देखिए स्पेस में थोड़ा सी जगह में इसने किचन कितनी अच्छी तरीके से बना लिया है, देखिए किचन बना लिया है। यहाँ पे ट्रॉली भी लगाई हुई है, आलू कांदे के रखने के लिए भी जगह भी वहाँ पर बना लिया है, बर्तन अभी बेसिन में सब भरा है, इसने कोई काम नहीं किया है अभी तक। और एकदम छोटे से स्पेस में यहाँ ऊपर एक्वागार्ड भी रखा है, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसने अपना घर, ये टॉयलेट बाथरूम अटैच है एक ही में है। और यहाँ जो स्पेस बचा था ये किचन और रूम ही था सिर्फ, मतलब एक रसोई थी छोटी सी और एक हॉल था, इतना बड़ा ही था, लेकिन इसने क्या किया रसोई को इसने बेडरूम बना दिया, टॉयलेट बाथरूम की स्पेस को एक में करके इसने एडजस्ट करके किचन बना ली, अपनी रसोई बना ली। और इसी तरीके से मतलब एडजस्टमेंट हो रहा है, यहाँ बैठ के मम्मी मम्मी बातें कर रहे हैं और कुछ प्लानिंग हो रही है हम लोगों में, हम लोगों की बैठ के प्लानिंग हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। सब कुछ होने के बाद में ऐसा हो रहा था कि अब बैठेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, वीडियो रखे होगा। जब हम लोग माँ बेटी मिल जाते हैं तो हम लोग एक जगह नहीं बैठते, घर में नहीं बैठते, कहीं निकल ही जाते हैं घूमने के लिए। तो कहीं जा रहे हैं हम लोग किसी से मिलने हैं, लेकिन मुझे अभी लेना है अपने। अगेन वेलकम। और मैं मम्मी को और बहन के घर पे ही छोड़ के आ गई हूँ, और मम्मी मेरे यहाँ नहीं आई है क्योंकि मुझे अपने बच्चों को लेने जाना था, 3 बजे मेरे बच्चे छूटते हैं, तो मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ और बच्चों को खिला पिला दी और मैं ड्रेस चेंज कर दी हूँ। देखिए मैं एक मतलब वेस्टर्न में आ गई हूँ, आप देख ही सक रहे होंगे मैं वेस्टर्न में आ गई हूँ, और आज कुछ चेंज करना है, क्या करना है जुड़े रहिए तभी आपको पता चलेगा। कहीं हम लोग बाहर जा रहे हैं तो साथ में सभी लोग जा रहे हैं, मम्मी मेरी छोटी बहन और मैं, और हमारे दोनों बच्चे भी, उनके दोनों बच्चे हैं और मेरी भी दोनों बेटियां हैं, उनके साथ में मैं जा रही हूँ। बच्चे लोग को स्कूल से लेके आ गई हूँ, अब उनको रेडी कर दिया है, रेडी करके कुछ खिला पिला के मैं लेके चलती हूँ, तो बने रही है। और मैं ना आजकल ये बालों में ना ये छोटा सा ये ब्लैक हेयरबैंड है ना वो मैं पहनना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि ना ये जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं ना वो थोड़ा सा भी अगर मैं ड्राइव करती हूँ ना गाड़ी को तो तुरंत ही मतलब पूरे घोंसले टाइप जैसे ऐसे बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये पहनना स्टार्ट कर दिया है, इससे मतलब अलग ही फेस बन जा रहा है ना। तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं ना। तो आज मैंने एकदम लुक चेंज कर दिया है, क्यों कर दिया है व्लॉग में बने रहिए तो आपको पता चलेगा। Oh, oh, oh.
सर्कस के पूरा भर चुके हैं। ये छोटा सा यहाँ है बंदर, बंदर हाय बोल दे। हाय नहीं बोलूंगा, जो कल है कल। आजकल की ऐसे सब पैदावार है और इसकी करता धरता ये। सबसे पहले ये बताओ कि कितना टाइम लगा आपको वेट लॉस करने में? एक साल आठ महीने। और पहले आप सबसे पहले कितने किलो के थे? 105 किलो के। तो एक साल आठ महीने में आपने वजन कम कर दिया। ये सब में 63 तो मतलब एक महीना से वहाँ पे। तो मतलब कितना टाइम लगा आपको ये सब मतलब मैनेज करने में? कोई दिक्कत आई? दिक्कत मतलब खाली बाल थोड़ा झड़ा, हेयर फॉल मतलब बहुत हुआ है। और जैसा पहले थोड़ा शुरू हद में थोड़ा जैसा चक्कर ऐसा ज्यादा नहीं थोड़ा, फिर बाद में डाइट ठीक बराबर रखा ना। तो खाने में क्या क्या लेते थे आप? सब कुछ ही, पर कम ऑयल मसाला नमक शक्कर। इतना नमक कम, तेल कम, उबला उबला सब्जी, सैलेड ज्यादा, सैलेड ज्यादा, सैलेड ज्यादा, सब्जी उबला हुआ दाल सब कुछ। तो मतलब खाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी? पहले आप फूडी थे, अभी आप मतलब खाने में मतलब कम करते? थोड़ा शुरू हद लगता था, फिर खाते खाते आदत पड़ गई। और जैसे चावल लेती, अभी कैसा लग रहा है? अभी खाना की तरफ देखने का मन करता है? नहीं नहीं, ऐसा स्ट्रीट फूड मतलब ये बाहर का जंक फूड वगैरह ये सब कुछ नहीं, मन ही नहीं करता? नहीं, मन नहीं करता है। ऐसा जो पिज्जा खाने का मन कर रहा है ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं। बाहर का जंक फूड मतलब सब कुछ बंद? बाहर होटल जाती हूँ पर दाल चावल जो भी खाना है नॉनवेज वगैरह खाती हूँ, पर ये नहीं। और नॉनवेज में भी मतलब डाइट के समय में नॉनवेज भी यूज करते थे? उबला उबला हुआ, ऐसा तेल तला हुआ मसाला वाला ऐसा नहीं। अच्छा बंगाली में बोल दो। बंगाली में क्या बोलूं? हेलो बंदूड़ा, कैसे हो? तो अभी क्या करना है, चलना है कि नहीं? मन चलना है कि नहीं? मन नहीं है। मम्मी चलना है कि नहीं? मन नहीं है। अरे टाइम कितना हो गया देख रहे हो? मन नहीं है। टाइम हो गया यहाँ पे देख लो, शाम के टाइम हो गए, अभी तक कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब सब चलने के लिए तैयार है। तैयार हो कि ना? जब उनसे जा था तू क्या कर रहा था? हम इनके यहाँ जब भी आते हैं ना तो मतलब बहुत ही प्यार से ये मिलते हैं। तो अभी शाम का टाइम है, चाय वे बना रही हैं हम लोग, चाय वे पी के इनकी बेटी देखो ये नाश्ता हम लोग के लिए तैयार कर रही है। तो हम लोग यही चाय नाश्ता करके हम लोग फिर निकलेंगे। और बच्चे जब यहाँ आ जाते हैं ना तो इतना मतलब है कि इतना दिल लगा है कि यहाँ से जाने का ज़रा से बिल्कुल मन नहीं करता है। बहुत ही मिल के रहते हैं अपनी फैमिली के जैसे। हमने तो इनकी बंगाली नहीं सीखी, लेकिन इन्होंने हमारी भोजपुरी ज़रूर सीख ली है। तो बहुत अच्छा भोजपुरी बोलती हैं। तो यहाँ हम लोग चाय और ये सब नाश्ता कर रहे हैं।
बाप रे आंटी तुम्हारा उम्र तो बढ़ गया मेरे बेटा ने झंडू को प्रणाम किया बाय बाय बेटा बाय करो बाय बंगाली में बोलो ना बाय 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 क्या बोलते रे टाटा चलो अभी हम लोग चल रहे हैं अभी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कभी मिलेंगे देखते हैं टाइम आएगा तो जाएगा बाय नाइन बाय वही मूवी देख रहे थे अभी हम जा रहे हैं कि फर्स्ट में अब मिलते हैं जल्दी जूता पहना